नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं ऐसा नाश्ता जिसे आप भी बना पाएंगे और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाता है, वो भी मिनटों में। इसे आप जब मर्जी खा सकते हैं, सुबह या शाम के नाश्ते में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम क्रिस्पी बनता है, वो भी गेहूं के आटे से। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, एक चौथाई चम्मच मैं यहाँ पे जीरा और एक चौथाई चम्मच अजवाइन ले रही हूँ, और हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है मैंने, और दो टेबल स्पून मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने एक चुकंदर को घिस के उसका रस निकाल लिया था। एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, जैसा हम रोटी बनाते हैं इस तरीके से हम आटे को रेडी कर लेंगे। आटे को थोड़ा अच्छा इसी टाइम हम गूंद लेंगे 2-4 मिनट के लिए। एकदम सॉफ्ट और स्मूथ आटे को हमने गूंद लिया है, आटे को ढक के रख देंगे और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल और 1/4 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है, मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं इसमें। बट तैयार होने वाली स्टफिंग बन जाती है मिनटों में। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके, और बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, हल्का ही भूनेंगे, क्रंचीनेस बना रहना चाहिए। और अब यहाँ पे मैं 2 बॉइल्ड आलू ले रही हूँ और इसको मैं इस तरीके से मैश करके डालूंगी, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है। थोड़े मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी लिया है मैंने, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं, मिर्च आप अपने अनुसार ही ऐड करें, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला डाल करके अच्छी तरीके से मिलाएंगे। देखिए बहुत ही जल्दी मिनटों में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अपना टमाटो केचप, इससे टेस्ट और भी डबल हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये मसाला। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनके रेडी हो जाता है, आप इसको सुबह या शाम के स्नैक्स में भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैं पेड़े तोड़ लूँगी, पूड़ी से थोड़ा बड़े साइज़ के ही हम पेड़े तोड़ेंगे, और इसको अब हम बेलन की सहायता से इस तरीके से बेल लेंगे, और अब इसमें हम अपना डिज़ाइन ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से हम कट लगाएंगे और इसमें अब हम स्टफिंग करेंगे, इस तरीके से स्टफिंग करके अब हम इसको रोल करेंगे। और ये देखिए डिज़ाइन आप अपने अनुसार कोई भी डाल सकते हैं, ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये नाश्ता। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे तरीके से, अब हम स्टफिंग करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी बेल ली है और इसमें देखिए स्टफिंग रख के इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। अब मैं सेकेंड टाइम से भी इसको फोल्ड करूँगी और साइड से इसके एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है और गेहूं के आटे से बहुत ही जल्दी बन जाता है। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं, देखिए मीडियम आंच पे ही हम इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाए, और इनको हम दोनों साइड से अलट पलट करके इस तरीके से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बिल्कुल भी जल्दबाजी में इनको फ्राई ना करें। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे अब सेक चुके हैं, मीडियम आंच पे ही हमने इनको सेका है, और चलिए फटाफट से अब हम इनको निकाल लेते हैं। और अब मैं आप लोगों को इनको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। गेहूं के आटे से भी इतना अच्छा स्नैक्स बना सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक ज़रूर देना। तो जल्दी से इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।